न्यूज के प्रायोजक है द नेचर प्राइड रिजॉर्ट। रेन डांस, स्विमिंग, लॉजिंग, डाइनिंग, ये सब सुविधा द नेचर प्राइड रिजॉर्ट रावणवाड़ी में। नेपाल प्लेन क्रैश की पहली तस्वीरें सामने आ गई है। 4 भारतीयों सहित 22 लोगों को ले जा रहा नेपाल का यह विमान रविवार को हादसे का शिकार हुआ था। इसमें 4 भारतीयों के अलावा 2 जर्मनी के और 13 नेपाली नागरिक भी सवार थे। नेपाल में क्रैश हुए तारा एयरलाइन के प्लेन के मलबे की तस्वीर सोमवार को सामने आई। तस्वीर आने के कुछ देर बाद नेपाली मीडिया ने दावा किया कि प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। प्लेन का मलबा मुस्तांग इलाके के कोबन में मिला है। पहाड़ पर यहाँ वहाँ बिखरे क्षत विक्षत शवों को इकट्ठा किया जा रहा है। स्थानीय लोग भी इस काम में सेना की मदद कर रहे हैं। ज्यादातर शवों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। सोमवार सुबह 10:30 बजे तक 16 शवों को बरामद किया जा चुका है। बाकी 6 शवों को ढूंढा जा रहा है। पहाड़ की चोटी से टकराने के बाद करीब 100 मीटर के इलाके में शव और विमान का मलबा फैला हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि विमान करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह प्लेन रविवार को हादसे का शिकार हुआ था। तारा एयरलाइन की फ्लाइट 9NAET नेपाल के पोखरा से जोमसोम जा रही थी। सुबह करीब 10 बजे अचानक फ्लाइट लापता हो गई थी। दिन भर तलाश में ऑपरेशन चलाने के बाद शाम 4 बजे फ्लाइट क्रैश होने की खबर आई थी। प्लेन में क्रू मेंबर सहित करीब 22 लोग सवार थे। इनमें 4 भारत, 2 जर्मनी और 13 नेपाल के थे। फ्लाइट में चालक दल के 3 सदस्य भी थे। विमान 30 साल से अधिक पुराना था।